आरसीबी वालों ने हारने की पूरी कोशिश की कल, लेकिन गुजरात वालों ने उन्हें 2024 के आईपीएल से बाहर होने से बचा लिया। कल इतना छोटा टारगेट था, उसमें भी आधे रन तो फाफ डुप्लेसी और विराट कोहली ने बना दिए थे, फिर भी बाकी बचे रन जो हैं वो गिरते पड़ते बने। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। अपनी नई हेयर स्टाइल में आए टॉस करने फाफ डुप्लेसी ने टॉस जीता और झट से गेंदबाजी ले ली। फिर ऐसी गेंदबाजी की कि यकीन ही नहीं हो रहा था कि आरसीबी वाले ही गेंदबाजी कर रहे हैं। वर्ल्ड कप टीम सिलेक्शन के बाद भले ही बल्लेबाजों ने निराश किया है, लेकिन गेंदबाजों ने थोड़ी उम्मीद जरूर दी है। बुमराह के बाद सिराज भी शानदार दिखे और गुजरात के दोनों ओपनर्स ले उड़े। गुजरात को इतना बड़ा झटका लगा कि गुजरात ने पावर प्ले में ही मात्र 23 रन बनाए और ऊपर से विकेट और 3 खो दिए। यूं समझ लो गुजरात ने अपने 3 साल के करियर में इतना खराब पावर प्ले पहले कभी नहीं देखा था। टॉप ऑर्डर के फेल होने के बावजूद शाहरुख, मिलर और राशिद ने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट किया, लेकिन चिन्नास्वामी का मैदान समंदर भर रन मांगता है। यहाँ तो ग्लास भर ही बने और गुजरात मैच में बहुत पीछे रह गया। चिन्नास्वामी में 148 रन विराट कोहली बाएं हाथ से खेलते तब भी बना लेते। उन्होंने दाएं हाथ से बैटिंग की और क्या बैटिंग की है बॉस, एकदम शानदार। कोहली डाल डाल तो फाफ डुप्लेसी पात पात दोनों इतनी तेजी से बैटिंग कर रहे थे कि लग रहा था उन्हें जल्दी से मैच खत्म करके पिकनिक पे जाना है। पावर प्ले में दोनों ने मिलकर 92 रन जोड़ दिए थे। गुजरात ने वहीं सिर्फ 23 रन बनाए थे पावर प्ले में। पावर प्ले में 92 रन बनाने के बावजूद 117 आते आते आरसीबी के 6 विकेट गिर चुके थे। पावर प्ले में 92 रन बने थे, यानी कि बचे हुए 84 गेंदों में 56 रन बनाने थे। इतनी गेंदों में इतने रन बनाने में भी आरसीबी वालों की सांसें फूल गईं। लेकिन फिनिशर दिनेश कार्तिक ने आरसीबी को फिनिश होने से बचा लिया। उन्होंने 12 गेंदों में 21 रन बना के आरसीबी की इज्जत बचा ली। इस जीत के साथ आरसीबी 10 नंबर से 7 नंबर पे आ गई है। वीडियो कैसा लगा है बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।